तो मतलब जो ये इस तरह की जो सक्सेस होती है ना, वो किसी के भी हाथ पे नहीं होती. इट्स हम मेहनत कर सकते हैं, हमें ये पता होता है कि इस प्ले के अंदर पावरफुल डायलॉग्स हैं, अच्छी स्क्रिप्ट है, सब कुछ है, लेकिन जो ये टाइप की जो सक्सेस है ना, दैट्स अल्लाह की तरफ से. आपका हर प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से बड़ा हिट होता है. व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? आई थिंक एवरीवन दैट वर्क्स विद मी एंड माई सेल्फ ऑल्सो, आई थिंक थोड़ा थोड़ा हम अपना दिल डालते हैं प्रोजेक्ट में, तो दैट्स वट मैटर्स. यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू द प्रोजेक्ट. आजकल जब आप जाती हैं किसी भी बर्थडे पार्टीज पे, डिनर्स पे, सबसे ज्यादा लोग कौन सा ड्रामा डिस्कस करते हैं? आजकल जो अभी के जो ड्रामाज हैं उसमें आई थिंक परिजात, तो ऑफकोर्स एवरी वन नोज इट्स बिकम अ सेंसेशन. दोबारा इज ऑल्सो गेटिंग रेव रिव्यूज बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट. तो वही बात है कि आई थिंक हम लोगों ने ना अपनी जो ऑडियंसेज हैं उनको हम वो क्रेडिट नहीं देते. हमारी ऑडियंसेज अब बहुत इंटेलिजेंट हो गई हैं और उनको इस किस्म के स्क्रिप्ट्स चाहिए. तो जो परिजात है वो हमारी एक बड़ी हम्बल एफर्ट है टू गिव द पब्लिक समथिंग डिफरेंट. और द गुड थिंग जो मुझे बहुत खुशी है इसकी सक्सेस से कि इस किस्म का नैरेटिव सक्सेसफुल हुआ. तो वो जो लोग जनरली समझते हैं ना कि सास बहू से हट के अगर आप कहानी बनाएंगे तो वो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इट्स द स्टोरी ऑफ अ सिंपल मैन एंड इन अ वेरी सिंपल स्टोरी टेलिंग वे, बट इट बिकेम मासिव. सो यू नो दैट्स द रियल सक्सेस ऑफ परिजात, कि इस तरह का कॉन्टेंट सक्सेसफुल हुआ. Abhi, thank you so much for your time. I hope you enjoy the show. Thank you.